व्हाट्सएप पर गांव गांव तक वो जो जहरीले नफरत के संदेश फैलाए जा रहे हैं, जिससे इस मुल्क को पूरी तरह तबाह किया जा रहा है, वो किसी तड़ी पार के आप वकील हो और फिर कुछ दिन बाद आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। इस बात को, इस मुल्क के निजाम को सामने दिल्ली में खड़े होकर हम ये कहते हैं कि जेल में जीने होना चाहिए, वो कुर्सियों पर हैं। सभी साथियों को मेरा इंकलाबी सलाम है और क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करते हैं। यही वो दो लफ्ज हैं जो बोलने के बाद कहा ये जा रहा है कि आप दंगा भड़काना चाहते हैं और आपको जेल में रखा जाएगा। और सामने भगत सिंह की तस्वीर लगी है, मुझे पता नहीं, हालांकि उस वक्त के हुक्मरानों के लिए भी भगत सिंह चुभते थे, जेल में थे, आज होते तो जाने और क्या होता। आखिरी पत्र लिखते हुए उन्होंने एक उम्मीद की थी कि ये जो शहादत मैं देना चाहता हूं ये इसलिए कि मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। पता नहीं वो इस बात को बहुत दूर तक नहीं जानते रहे होंगे कि आजादी का अमृत महोत्सव वो जब मुल्क मनाएगा उस समय इंकलाब शब्द भी जेल में जाने के लिए काफी होगा। हम इस दौर में हैं और प्रोफेसर साईं बाबा या इस तरह के जितने भी लोग हैं, मसलन प्रोफेसर साईं बाबा को इस समय अपनी कक्षाओं में होना चाहिए था, अपने विद्यार्थियों के साथ होना चाहिए था, अपने शोध को, किताब को, किसी लेख को लिखते हुए इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ बतौर प्रोफेसर कुछ अपना योगदान देने का जो मौका सौंपा गया था उसे निभाते हो, मगर आज वो सलाखों के पीछे। प्रोफेसर हैनी बाबू अपनी कक्षाओं के विद्यार्थियों के बेहद प्रिय थे, जन आंदोलनों की आवाज थे, और चाहे वो रोस्टर आंदोलन हो या विश्वविद्यालयों में रिजर्वेशन की लड़ाई हो, उसमें भी बहुत मुखर होकर के आगे खड़े होते थे। और आज उन तमाम जगहों से हटाकर जेल में बंद कर दिए गए। मुझे लगता है कि निजी तौर पर इन लोगों का नुकसान तो है, उमर खालिद के जेल में होने का, तमाम शोधार्थियों के, सामाजिक कार्यकर्ताओं के जेल में होने का उनका और उनके परिवार के लिए बेहद अफसोसजनक हालात तो हैं। ये वही समझते हैं कि उनके घर में लोग कैसे इस बात को कबूल कर रहे होंगे, हर दिन कैसे उन पे क्या क्या जुल्म सितम एहसास होता होगा, जब ये जिन पे गुजरती है वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। मगर ये निजी नुकसान से ज्यादा मैं बतौर समाज का, बतौर राष्ट्र का नुकसान देख रहा हूं। वो जिन्हें प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर होना चाहिए, वकील होना चाहिए, कैंपस में अपने मुल्क की बेहतरी के लिए डिबेट करता हुआ होना चाहिए, वो सलाखों के पीछे हैं। और बहुत से ऐसे लोग जिन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए वो इस मुल्क के हुक्मरान बने बैठे हैं, विडंबना यही है। और अभी जब हम यहां बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं आजम खान, वो भी खान है, आजम नाम है उनका, तो वो हेट स्पीच के मामले में अब जेल जाने के लिए आज उनको सजा सुनाई जा रही है कि उन्होंने चुनावी भाषण में हेट स्पीच की और MP MLA कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाने की आज ही तारीख दी है। और बहुत सारे MP MLA प्रमोशन पा रहे हैं ताकि अगली बार और ज्यादा हेट स्पीच दें, नए स्लोगन ले आए। देश के गद्दारों वाला स्लोगन पुराना हो गया, गोली मारो, जूता मारो, अब इससे बात नहीं बन रही।
सामान खरीदवाने की मनाही जो कर रहे हैं कि मुसलमानों से इस मुल्क में सामान मत खरीदो, इससे भी बहुत कुछ नई बात बनी। तो प्रमोशन मिल रहा है उनको कि और कोई नया स्लोगन आप रेज करो, ताकि वो 30 सेकंड की रील्स से लेकर के व्हाट्सएप पर गांव गांव तक वो जो जहरीले नफरत के संदेश फैलाए जा रहे हैं, जिससे इस मुल्क को पूरी तरह तबाह किया जा रहा है, वो और अच्छे से फैलाया जा सके। तो जेल में कौन जा रहा है? आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, और अभी प्रोफेसर सरोज गिरी ने और उसके पहले कोलिन गंजाल्विस ने बहुत तफसील से इस पूरे मुकदमे की बारीकियों को हमारे बीच में रखा, पृष्ठभूमि को रखा। प्रोफेसर सरोज गिरी तो अभी एक बात कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस समय सरकार बीजेपी की है, इसी का विरोध कर लो देश बच जाएगा, गोया इसके पहले बचा रहा हो। तो इनकी चिंता थी कि अगर ये नहीं होंगे तो कौन होगा। नए नए लोग तैयार हो रहे हैं सर, पहले कोई एक देवता को मानेगा उसका मंदिर बनवाएगा, तो दूसरा कोई आईआईटी रिटर्न भी आएगा और वो कहेगा नोट पर इनकी तस्वीर लगा दो, इकोनॉमी सुधर जाएगी। तैयार हो चुके हैं लोग, पढ़े लिखे लोग, और उनको ये लग रहा है, उनके प्रवक्ताओं को लग रहा है कि हम तो बीजेपी को काटने के लिए उनसे ज्यादा कट्टर हिंदू बन गए, अब बीजेपी विरोध करके दिखाए उनका क्या, जो इस पूरी डिबेट में है नहीं। तो तैयार हो गए लोग, और बहुत संभावना है कि बहुत जल्दी वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा जाए, बहुत जल्दी पूरी मेनस्ट्रीम मीडिया ये दिखाने लगेगी और पूंजी उनके पीछे से ये कहने लगे कि नहीं नहीं वाकई देश में बहुत माहौल खराब है, अब एक नए ईमानदार कट्टर ईमानदार, ईमानदार से काम नहीं चलेगा, कट्टर ईमानदार कट्टर देशभक्त को अब इस मुल्क को सौंप देना चाहिए। और इसलिए मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हम लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चंद व्यक्तियों या किसी पार्टी या संगठन का विरोध करने लग जाएं, इससे खतरा नहीं टलेगा। हमें उस प्रवृत्ति का विरोध करना है जिसकी वजह से उस कुर्सी पर जो भी बैठता है वो दलित पिछड़ा आदिवासी मुसलमान गरीब कमजोर मजलूम विरोधी हो जाता है। उस प्रवृत्ति का विरोध अगर नहीं किए तो आज साईं बाबा जेल में कल कोई और हो। और इसलिए कॉलिन कह रहे थे अभी कि न्यायपालिका अब क्या हो उस पर बात की जाए, बड़े बड़े जज बड़े बड़े वकील, पता नहीं इसी देश में संभव है कि किसी तड़ी पार के आप वकील हो और फिर कुछ दिन बाद आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। और उसके बाद चार जज निकले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि लोकतंत्र खतरे में है, हम 20 साल बाद आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे अगर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति जाकर राम मंदिर का फैसला सुनाया और अगले दिन राज्यसभा की शपथ ले लिया। कहां गई वो नैतिकता जिससे हम कभी कभी उसके बीच से ऐसे ऐसे स्वर सुनाई देते हैं कि वो बहुत अच्छे लगने लगते हैं कि जुडिशियरी खत्म नहीं होगी, कुछ जज निकल के बाहर आए हैं। और इस समय क्या हो रहा है? और मतलब सोचिए ना, संस्थाओं को इतना कमजोर कर दिया गया है कि दिन रात टीवी पर बैठकर दंगाई नफरती डिबेट करने वाला एंकर जिस दिन सरकारी प्रवक्ता से एक लाइन पूछ दे उसको वाहवाही मिलने लगती है कि देखो ये कितना अच्छा पत्रकार है, हम यहां पहुंच गए। बाकी वो दिन रात इसी तरह। कई बार ऐसा तो नहीं कि हम लोग शायद अपने को खुश रखने के लिए, अपने को दिलासा दिलाने के लिए इस तरह के आयोजन कर रहे हैं? यह आयोजन जरूरी है, मैं जानता हूं कि कितना जोखिम उठाकर लोग यह आयोजन करते हैं, और हम लोग भी जो यहां बैठे हैं, ठीक कहा प्रोफेसर साहब ने कि फाइल तो बनी है, बनी हुई है, उसमें नए पन्ने जुड़ेंगे कि आज की बैठक में क्या क्या बोला गया। जी हां, इस बैठक में यह सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी न्यायपालिका पर हमें भरोसा कैसे हो बतौर देश का नागरिक, जिस न्यायपालिका में कोई रिजर्वेशन नहीं। आज तक इस देश में रिजर्वेशन को गालियां कितनी दी गई? अच्छा, जिसको गाली पड़ती है ना उससे पूछिए कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। और अलग अलग समय में अलग अलग लोग निशाने पर रहते हैं, और वो लोग आज ये कह रहे हैं
कि जुडिशरी में कोलिजियम सिस्टम नहीं खत्म होना चाहिए। कोलिजियम सिस्टम में कौन है वकील, किसको जज बनाना है, यह सब कुछ तय है, और उसके बाद जो निर्णय आ रहा है वो सीधे सीधे संदेह पैदा कर रहा है। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश से लेकर के या देश के कई हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के तमाम न्यायाधीशों के सामने एक सवाल रख रहा हूं। आपके जुडिशरी के लिए तो ये कहा गया कि कोई मुल्जिम छूट जाए वो चलेगा, कोई अपराधी बरी हो जाए वो चलेगा, कोई निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए। न्याय का इस्तकबाल बचा रहे वो मुझे लगता है कि इस समय वो पूरी तरह खो चुका है। ढेर सारे बेगुनाह कैद हैं, अगर इस बात को जो नहीं समझते उन्हें इस मुल्क की जेलों में जाकर देख लेना चाहिए कौन जेल में कैद है। हम भले इससे हिम्मत दे रहे हैं अपने को इस आज की बैठक में कि किस किस को कैद करोगे। कोलिन एक बात और कह रहे थे कि कुछ अच्छे जज भी वहां बैठे हैं। भाई इस मुल्क में मेरा मानना है कि 80% लोग अच्छे हैं, मगर वो चुप हैं। वो अच्छे प्रोफेसर बने बैठे हैं, वो अच्छे विद्यार्थी बने बैठे हैं, वो अच्छे परिवार के पिता पुत्र भाई बहन बने बैठे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उसी विश्वविद्यालय में जब गोबर पर रिसर्च और गौशाला खुल रही है वो अच्छे लोग कहां खड़े हैं, मेरा ये सवाल है। अगर आप अपने विश्वविद्यालय को नहीं बचा पाए तो आप अच्छे किसके लिए हैं? तो वो जज अच्छे किसके लिए, वो समाज अच्छा किसके लिए? वो सारे खामोश लोग हैं। और होता यही है, मैं फिर से कह रहा हूं, इस तरह के आयोजनों में मैं केवल एक बात कहने आया हूं, हम नहीं बचा पा रहे प्रोफेसर साई बाबा को, प्रोफेसर हनी बाबू को, आनंद तेलतुंबड़े को, उमर खालिद को, मगर हम यहां इसलिए खड़े होते हैं और बार बार मिलते हैं और बार बार ये कार्यक्रम करने की जरूरत है, ताकि हम खुद को एक हिम्मत दे सकें कि जब सब खामोश हो रहे हैं, जब मुल्क के हुक्मरान कहते हैं झुको और लोग रेंगने लगे, उस वक्त हम एक दूसरे से हिम्मत लेने आते हैं कि नहीं, सारे लोग रेंग नहीं रहे, कुछ लोग हक हकूक की बात कर रहे हैं, और जो जेल में हैं, इस बात को, इस मुल्क के निजाम को सामने दिल्ली में खड़े होकर हम ये कहते हैं कि जेल में जीने होना चाहिए वो कुर्सियों पर हैं। और मैं इस बात को ये कहते हुए कि इन सारे लोगों को बरी किया जाना चाहिए, और कोलिन एक बात कह रहे थे, मैं वही सोच रहा हूं, वो तो पढ़े लिखे समझदार वकील हैं, वो कह रहे थे कि बहुत डर लग रहा है। मैं तो बार बार कहता हूं, इंदिरा गांधी आज होती तो पछताती कि हमने घोषित इमरजेंसी क्यों लगा दी इस देश में। सब कुछ अच्छे से चलते रहने के बाद भी हम दमन करने में कामयाब हो सकते हैं। कोलिन कह रहे थे कि अब इस मुल्क में संविधान सम्मत बातें करना भी खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। और प्रोफेसर अपूर्वानंद ने जो इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र किया कि हमें हर तरह के नक्सलियों को खत्म करना है, असल में उनकी मंशा है कि हर सवाल पूछने वाले को खत्म किया जाए, मगर हम ये सवाल पूछते रहेंगे कि हम इनके साथ खड़े हैं। और इस देश के आम आवाम, और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इस मुल्क के आम आवाम को इस बात को समझाने की जरूरत है कि जो जेल में है वो बुरे नहीं, वो आपके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि कल जो जेल में थे वो आज हमारे नायक हैं। कल जिनको जेल में डाला गया, जिनको फांसी पर लटकाया गया, वो आज हमारे नायक हैं। और जो माफी मांगते थे उनको लाख कोशिश कर लो, माफी मांगने वाले कभी नायक नहीं बन पाएंगे। आज आपकी सत्ता है, आप किसी को भी नायक बना लो, मगर जो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं हम उनके लिए बोलने आए हैं, और उससे बड़ी बात हम अपने लिए बोलने आए हैं, और हम चाहते हैं कि इन सभी बंदियों को तत्काल रिहा किया जाए ताकि ये मुल्क और इसके आईन को बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया।